हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सब लोग। आज मैं आया हूँ बड़ी दमन आप लोगों को डोमिनिकन मॉनेस्ट्री दिखाने के लिए, जिसका ओरिजिनल नेम कॉन्वेंट ऑफ द डोमिनिकन था। ये एक चर्च है, गिरजाघर है, जो क्रिश्चियन लोग का होता है, कैथलिक लोग का होता है। ये मैं आप लोगों को आज दिखाऊंगा। ये बना था 1567 में, 1567 के अंदर ये बना था, और जो वॉर हुई वगैरह वगैरह, तो उसके अंदर जो है ये टूट फूट गया, और इसको अभी जो इसकी जो दीवारें हैं, जो इसकी खूबसूरती है, वो ही सिर्फ बची है यहाँ पे। ये अभी कुछ यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ इस तरीके से चलने के लिए और सुंदरता के लिए इस तरीके के झाड़ फूल वगैरह लगाए, इस तरीके से चलने के लिए ट्रैक जैसा बनाया है। काफ़ी शानदार है और बहुत ही बढ़िया है। अगर जो आप लोग दमन आते हो घूमने के लिए, तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर, अगर जो आप शाम के टाइम पे आवे तो आपको थोड़ी ठंडक भी मिलेगी, और कि जब सूरज की किरणें इस तरफ से गिरती है ना, तो एक अलग ही इसका मज़ा होता है। तो वो मैं आप लोगों को अभी इसमें दिखाऊंगा वीडियो में। तो वीडियो हम हमारा यहाँ पे शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट चैनल को जाके सब्सक्राइब कर ले, और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि इस तरीके की मज़ेदार वीडियो मैं आप लोगों के सामने लाता रहूं और आप लोगों को दिखाता रहूं। क्योंकि अभी जमपुर बीच पे, देवका बीच पे काफ़ी टूरिस्ट मिल जाएंगे, पर इस जगह पे एक भी टूरिस्ट नहीं है, कोई नहीं है, बिल्कुल खाली है। ये एक ऐतिहासिक जगह है, कुछ पुरानी जगह है दमन में। दमन में आओ तो ये सब चीज़ें भी देख के जाया करो, फ़ोटो खींचो, यहाँ पे आके घूमो, यहाँ पे आके बैठो। बहुत ही अच्छी जगह है, बहुत ही प्यारी जगह है घूमने के लिए। और अभी इस तरीके से बच्चों के लिए इस तरीके से गार्डन, और लोगों को एट्रैक्टिव करने के लिए गार्डन वगैरह जो बनाया गया है, वाओ, सच्ची में बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप लोगों को ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे।